और शासन ने पूरी कोशिश करी कि इन को हराया है। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई फूट छापा हो गए उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्चस्व मर जाए ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। गब्बर एक बार फिर चर्चाओं में है। गब्बर यानी कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, अंबाला कैंट के 7वीं बार विधायक और नायब सरकार के अंदर परिवहन मंत्री आजकल फिर चर्चाओं में है। और चर्चाएं उनकी ऐसी हैं कि जो उनके बयान हैं वो सोचने को मजबूर कर रहे हैं। कल उन्होंने अंबाला के अंदर जो उनके चुनावी जीत की खुशी में जो कार्यक्रम था या धन्यवाद कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उसमें भी उन्होंने एक बार फिर एक बात दोहराई और उन्होंने कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश थी, उनकी जान लेने की कोशिश थी। ये बात गब्बर ने, अनिल विज ने एक बार दोबारा कह दी। मैं आपको बताता चलूं कि चुनाव परिणाम आने से पहले, चुनाव परिणाम आने के बाद और अब लगातार सूबे के नायब सरकार के वजीर, ताकतवर वजीर और अगर मैं कहूं कि बहुत पुराने दिग्गज नेता अनिल विज लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के दौरान में उनके साथ कुछ ऐसे होने की बातें थी जिससे कि उनकी जान को खतरा था। एक बार तो अनिल विज खुलेआम आरोप लगा चुके हैं वहां के जिले के उपायुक्त पर भी, तत्कालीन उपायुक्त जो चुनाव के दौरान थे उन पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के दौरान उन की हत्या करने तक की साजिश थी। अनिल विज ने कल कह रहे थे अपने संबोधन के अंदर, जब बात चल रही थी तो कल कह रहे थे कि अगर कहीं मैं आपा खो देता तो या तो मेरे लोगों के साथ में या मेरे साथ में और या फिर किसान जो वहां प्रदर्शन करने आए थे। आपको बताता चलूं कि अनिल विज का जो सारा मामला है ये कहना इसलिए है कि चुनाव के दौरान वे एक चुनावी सभा में गए थे, चुनावी सभा की वो कहते हैं कि उन्होंने जानकारी चुनाव आयोग को दी थी, यानी कि जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं, डीसी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इन सभी को दी हुई थी। अनिल विज कहते हैं कि जब उन्होंने सारी जानकारी दी हुई थी तो फिर सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं थे। अनिल विज कहते हैं कि उनके पास जेड सिक्योरिटी है लेकिन चुनाव के दौरान उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया और एक कार्यक्रम में जब वो गए तो उस कार्यक्रम के दौरान वहां पर कुछ किसान लोग आ गए, किसान नेता आ गए और उन्होंने आकर के उपद्रव करने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से अनिल विज कहते हैं कि जान बचा करके वहां से वो बाहर निकले। अनिल विज साहब कह रहे थे कि उनका प्रयास था कि झंडे डंडे लेकर के आए थे, अगर अनिल विज कहते हैं कि मैं बीच में जाता तो मुझ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया जाता। बहुत गंभीर उनके आरोप हैं। अब इससे बढ़कर के एक आरोप और लगा दिया अनिल विज ने। अनिल विज ने कल अपने आरोप में यह भी कहा कि वो लोग जो चुनाव में उनके खिलाफ थे, वो लोग जो चुनाव के दौरान चित्रा सरवारा जो वहां की निर्दलीय प्रत्याशी थी सेकंड नंबर पर रही, जिनसे टक्कर थी, चुनावी टक्कर, जिनकी चुनावी चुनौती थी अनिल विज को, अनिल विज कह रहे थे कि ऐसे लोग जो चित्रा सरवारा के साथ घूम रहे थे अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की फोटो लगाकर घूम रहे हैं। यह भी बड़ा गंभीर आरोप है। और इसके साथ साथ अनिल विज कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को बदनाम मत करो, अगर आपका ऐसा है तो सोशल मीडिया से अपनी फोटोज को वहां से तुरंत हटाओ। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि अनिल विज फिर चर्चा में है। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया, पूरी कोशिश जिंदाबाद। क्यों करें, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई फूट छापा हो जाए उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्चस्व मर जाए ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव हो जाए। मैं आपको बताता चलूं कि अनिल विज की चर्चाएं कम तो कभी होती नहीं, चाहे वो विधानसभा की बात हो। आप ताजा घटनाएं देखें, विधानसभा का जो पहला सत्र जिसके अंदर कि विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, अनिल विज उलझ गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और कहा था कि तुम्हारी बात लोगों ने सुनी नहीं, अगर सुनते तो ये स्थिति ना होती। अनिल विज ने ही कहा था ये। उसके बाद अगर चलें तो फिर अनिल विज जब परिवहन मंत्री बने,
बिजली मंत्री बने, पावर और ट्रांसपोर्ट दोनों मिनिस्ट्री उनके पास हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर जो उनके फैसले हैं, रोडवेज के कई बस अड्डों पर पहुंचे शपथ ग्रहण करने और दायित्व संभालने के साथ ही, और पहुंच करके उन्होंने खूब सुनाई जीएम को, जो वहां के रोडवेज महाप्रबंधक थे पानीपत में या अंबाला में, दुकानदारों पर बरसे जिन्होंने वहां पर बूथ लिए हुए थे, और कहा कि जितनी दुकान नहीं है उससे बाहर ज्यादा पकौड़े तल रहे हैं। जब पकौड़े तलने की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। खैर, बात अनिल विज साहब की चल रही है। बिजली मंत्री के तौर पर सबसे पहले अपना बिजली का बिल भरा, और अब पावर मिनिस्ट्री को और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को उनके कई फरमान हैं, कई उनके निर्देश हैं, कई बातें वो कह चुके हैं। इवन इतना तक कहा कि अगर रोडवेज की बस के अंदर खड़े होकर यात्रा करेंगे तो फिर किराया लेने का अधिकार नहीं है रोडवेज को। बात तो ठीक है भाई, जब आपने सीट नहीं दी तो फिर किराया किस बात का। लेकिन ये कितने कारगर उपाय होते हैं, कितने प्रभावी होते हैं, कितना इनका पालन होता है, देखना ये होगा। बहरहाल चर्चा ये है कि अनिल विज साहब चर्चा में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है अनिल विज की, जो उन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त पर आरोप लगाना कि उनकी जान लेने की कोशिश थी, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बड़ी साजिश थी और इसके अंदर बहुत लोग शामिल थे, एक्शन की बात करते हैं। और अब उसके बाद में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उन लोगों के फोटो हैं, वो खूब उनको चमका रहे हैं अपने चेहरों को, जो चुनाव में उनके खिलाफ थे, बीजेपी के खिलाफ थे, चित्रा सरवारा के कैंप में होते थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी बातें करके अनिल विज कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। अगर पिछली सरकारों की चर्चा कर लें, जो मनोहर पार्ट वन सरकार और मनोहर पार्ट टू सरकार, जिनके अंदर वो वजीर थे, नायब पार्ट वन सरकार में तो वजीर नहीं रहे, जो लगभग 5-6 महीने 7 महीने नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे, उसमें तो वजारत में अनिल विज नहीं गए थे, कह दिया था जूनियर के नीचे काम नहीं करूंगा। लेकिन अब समय है कि सब समझौते करवा देता है, तो अनिल विज साहब ने भी एक समझौता किया और कह दिया कि पार्टी चाहे चौकीदार की ड्यूटी लगा दे उसको भी बाखूबी निभाऊंगा। तो परिवहन मंत्री और पावर मिनिस्टर की जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही जो उनकी बातें हैं, जो उनके सवाल हैं, जो उनके आरोप हैं, उससे वो सरकार को, आला अधिकारियों को, इवन अब मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अनिल विज ये जो सारी बातें करते हैं, सबके पीछे मकसद क्या है? क्या अनिल विज एक ऐसे सच्चे पक्के नेता हैं जिनके सामने जो कुछ होता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो सामने आके कह देते हैं? दूसरी बात यह हो सकती है कि क्या अनिल विज मीडिया के अंदर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं? और तीसरा महत्वपूर्ण और जो गंभीर बात है वो ये आ जाती है कि आखिर पार्टी प्लेटफॉर्म की बजाय वो सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बात करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।